डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बचपन से ही मुझे एक शौक था एक्टर बनने का। हमारे स्कूल में जो भी प्लेज होती मैं उसमें भाग लेना कभी नहीं भूलता था। धीरे धीरे ये शौक कब दीवानगी बन गया मैं समझ ही नहीं पाया। और कभी मैं किसी एक्टर की एक्टिंग किया करता, कभी किसी एक्टर की नकल उतारा करता, बिल्कुल वैसे कपड़े पहना करता। मुझे मेरे आस पड़ोस वाले कहा करते थे, तुम उस एक्टर जैसे लगते हो, बड़े होकर तुम भी एक एक्टर जरूर बनोगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है आप समझने लगते हैं आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एक्टिंग का शौक तो धीरे धीरे कम होने लगा था लेकिन खुद को मैं फिल्मों से दूर नहीं कर पा रहा था। नई नई फिल्में देखने का शौक मुझे बहुत ज़्यादा था। भले ही अब मैं एक्टिंग में ज़्यादा हाथ नहीं आजमा रहा था लेकिन हर दिन एक फिल्म ना देखूं तो मुझे जैसे सही से सांस ही नहीं आती थी। इसीलिए कभी अपने लैपटॉप पर मैं अलग अलग फिल्में डाउनलोड करके देखा करता था तो जितने पैसे मैं जोड़ पाता सिनेमा हॉल में जाकर भी फिल्में देखने का शौक बहुत ज़्यादा था। आप टीवी पर वो मज़ा नहीं ले सकते, लैपटॉप मोबाइल पर वो मज़ा नहीं ले सकते जो सिनेमा हॉल में मिलता है। बड़ी स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर जो फिल्म देखने का मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, मैं जिंदगी का भाग उसे मानने लगा था। अपने दोस्तों को कहा करता था चलो नई फिल्म लगी है उसे देख कर आते हैं। भले ही मैंने टिकट के पैसे जोड़े होते थे लेकिन मेरे दोस्तों को पॉकेट मनी नहीं मिलती थी तो वो मना कर दिया करते थे। कभी कभी संयोग से हम सबके पास रुपए हुआ करते थे और टिकट खरीद कर हम फिल्म देखने के लिए जाया करते। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन करवा ली। ये कॉलेज हमारे उस शहर से बहुत ज़्यादा दूर था। धीरे धीरे दोस्त भी पीछे छूट चुके थे। मैं बहुत मायूस, एक साल वहाँ किस तरह से मैंने गुजारा मैं बता नहीं सकता। लेकिन मेरे दो दोस्त फिर उसी कॉलेज में आ गए, जैसे उन्हें भी मेरी दोस्ती खींच कर ले आई थी। शहर नया था, शहर अलग था, लेकिन वो भी बिल्कुल मेरे साथ आ गए। मैं जहाँ पर रहा करता था वो भी मेरे साथ रहने लगे। मेरे मामा जी का घर था, मेरे मामा जी की ट्रांसफ़र हो चुकी थी और उस घर में मैं अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। शौक पहले वाला ही था फिल्में देखने का। मैं वो लैपटॉप में नई नई फिल्में डाउनलोड करके देखा करता लेकिन अब खर्च ज़्यादा होने लगा था। सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना बड़ा मुश्किल भरा होने लगा था। इसीलिए बस मैं तरसा रहता, कभी तो रुपए होंगे कुछ काम ही कर लूँ। सिनेमा हॉल में जाकर नई फिल्म देखने का शौक। 4 महीने सिनेमा नहीं गया, काम ज़्यादा होने लगा। पढ़ने के साथ मैं कर रहा था इसीलिए लैपटॉप पर भी फिल्म देख नहीं पा रहा था। नई फिल्म कौन सी आई है अब तो याद भी नहीं रहा करता था। और कॉलेज में मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन दोस्ती करने के बाद मुझे पता लगा उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। मैं उससे पूछ पाता उससे पहले ही जैसे उसकी तरफ से ना हो चुकी थी। लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था ना वो काफ़ी अच्छा था। उसे यह पता लग गया था कि मुझे वो लड़की पसंद है, उसने कभी बताया ही नहीं, बिल्कुल मेरे पास ही तो बैठा करता था। लेकिन जब वो लड़की ने यह बताया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है वो मेरी आंखों में देखकर हंस रहा था। मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। मैं नज़रें झुकाकर वहां से जाने लगा और वो कहने लगा अरे कोई बात नहीं यार, हम सबको कोई ना कोई पसंद होता है, हम सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती, कोई बात नहीं तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। वो अच्छा था, उससे भी मेरी दोस्ती हो गई। हमारा एक ग्रुप बन गया था, 3 लड़कियां थी 5 लड़के, 2 तो मेरे पुराने दोस्त ही थे। हम सब मिलकर बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते। और एक दिन वो लड़की के बॉयफ्रेंड ने कहा था चलो फिल्म देख कर आते हैं, यहाँ सुना है एक हॉरर मूवी लगी है
और तुम्हें पता है ना, हॉरर मूवी देखना मुझे कितना ज्यादा पसंद है। उसे सच में हॉरर मूवीज देखना पसंद था, मुझे तो फिल्में ही देखना पसंद था, चाहे हॉरर हो या कोई भी घटिया कोरियन मूवी ही क्यों ना हो, मैं देखने से मना कभी नहीं करता था। उसने कहा मैं स्पॉन्सर करता हूँ, हम सब फिल्म देखने जाएंगे, वहाँ बहुत मजा आएगा। मैंने हामी भर दी, कोई मुझे सिनेमा फ्री में ले जा रहा हो मैं मना कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने उससे पूछा था आखिर मूवी कौन सी है, उसने कहा हॉरर मूवी है, वहां देखने के बाद तुम्हें पता लगेगा, अब कोई भी ढूंढेगा नहीं यार, ये सरप्राइज है, नई हॉरर मूवी आई है, और तुम्हें पता है ना यार हॉरर मूवीज मुझे पसंद है और लड़कियों को पसंद नहीं होती यार, ये डरेगी तो मुझसे चिपकेगी, इसीलिए हम वहां जाने वाले हैं, और तुझे तो फिल्में देखना पसंद है ना, चलना साथ। मैंने हामी भर दी थी, इसके बाद तैयारियां होने लगी। ये शनिवार की रात होने वाली थी, सर्द रातें थी, धुंध पड़ रही थी, दूर तक देखा नहीं जा सकता था, लेकिन हम सिनेमा हॉल तक पहुंच गए थे। वहां बाहर खड़े हमें काफी ठंड लग रही, और ये पुराने वाला सिनेमा हॉल था, किसी जमाने में ये बड़ा सिनेमा हॉल हुआ करता था, पीछे वाले हिस्से का इस्तेमाल होना बंद हो गया, उसके बाद आगे नया सिनेमा हॉल बना, फिर उसके भी आगे और साइड में मल्टीप्लेक्स बन गया, यानी उसके अंदर ही कई छोटे छोटे सिनेमा हॉल्स। बाहर लगी भीड़ देखकर वक्त 8 बजे का हो गया था, हमें लगा टिकट लेना तो बड़ी मुश्किल वाली बात होगी, तो क्या करें। वो लड़का कहने लगा अब तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, देखो जानने की कोशिश करना, आगे भीड़ लगी हुई है ना, यहाँ पर जो हॉरर मूवी है ना उसकी टिकट आसानी से मिल जाएगी, लेकिन टिकट मिलेगी अंदर, यहाँ से अंदर जाना हो जाएगा मुश्किल, देखो आगे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं ना, अंदर भीड़ नहीं लगने देते, ज़्यादा लोगों को अंदर जाने ही नहीं देते, लेकिन मुझे एक रास्ता पता है, पीछे से अंदर घुस सकते हैं, किसी ने मुझे बताया था किसी ज़माने में वहाँ भी सिनेमा हॉल हुआ करता था, उस गेट के सहारे हम अंदर घुस जाएंगे, अब अंदर जाकर टिकट लेना तो आसान होगा, भाई अंदर घुसने नहीं दे रहे, आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मैंने हामी भर दी, ठीक है तो अंदर जाने का और रास्ता कहाँ से है, ये इतनी भीड़ है, तकरीबन 100 लोग तो बाहर खड़े होंगे, और अंदर भी भीड़ साफ नजर आ रही थी, तो पीछे जाने वाला वो रास्ता बाकियों को पता नहीं है। उसने कहा नहीं बाकियों को पता नहीं है, अब पीछे खाली जगह पर जाने से सब डरते हैं, पार्किंग से निकलकर पीछे जाकर एक दरवाज़ा है, चलो उस तरफ से चलते हैं। हम 8 लोग थे, चलकर पार्किंग की तरफ गए। एक तो ये जो एरिया था ना बहुत ज़्यादा बड़ा, यहाँ किसी ज़माने में कुछ दुकानें कुछ फैक्ट्रीज भी हुआ करती थी जो बंद हो गई। वहाँ पार्किंग के रास्ते से बीच से निकलते हुए हम उस सिनेमा हॉल के पीछे वाले एरिया में पहुंचे। पीछे जैसे सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, कुछ पुराने मोटरसाइकिल जो टूटे हुए थे जंग खाए हुए थे उनके बीच से निकलते हुए, थोड़ा वहां पर कचरा भी पड़ा हुआ था। निकलते निकलते सिनेमा हॉल के पीछे वाले वो बड़े से दरवाजे तक हम पहुंच गए। उस दरवाजे पर एक चेन लगी हुई थी, ताला लगा हुआ था, जिसे देखते ही मैंने वो ताले को हाथ में पकड़ा। वो चमकदार ताला था, ऐसा नहीं कि पुराना ताला हो, नया ताला था। उस ताले को देखते ही मैंने उस लड़के को कहा यार ये देखना, यहाँ तो ताला लगा है, चेन लगाई है, हम अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा जा सकते हैं। उसकी तरफ देखकर मेरे दो दोस्त भी कहने लगे अब ये क्या करने वाला है, भाई ताला वाला तोड़ने का चक्कर तो नहीं है। उसने कहा नहीं यार ताला नहीं तोड़ूंगा, देख इस ताले और चेन में एक गड़बड़ है, मेरे एक दोस्त ने बताई थी। अब उसने जो चेन ऊपर की तरफ निकाली ना, एक जगह वो काफी नर्म थी, खींच कर उस चेन को जैसे टेढ़ा किया जा सकता था बड़े आराम से, फिर ताला वहां से निकाल कर खुल जाता। उसने वो दरवाजा खोल दिया, जैसे ही हम अंदर पहुंचे उसने दोबारा वो चेन लगाई, ताला आगे की तरफ फंसा दिया, फिर से उसे मोड़कर सीधा कर दिया, यानी वो थोड़ा सा दरवाजा अंदर की तरफ खुलता उससे बाहर जाते वक्त फिर से हम ऐसा ही कर सकते थे, लेकिन बाहर इस तरफ से जाने की हमें जरूरत ही नहीं थी, भीड़ में घुस जाएंगे, आगे से टिकट ले लेंगे और आगे से जाने से हमें कौन रोकेगा। इस तरह से वहां दरवाजा बंद करके हम आगे बढ़ने लगे। इस तरफ पूरी तरह से अंधेरा था, आगे से आवाजें जरूर आ रही थी, लेकिन ये एरिया इतना ज्यादा बड़ा था, क्या वो भीड़ पीछे तक भी आती है, यहाँ कितने सिनेमा हॉल्स हैं अंदर सिंगल स्क्रीन्स। उसने कहा 4 तो नहीं बनी हुई हैं, 2 पुरानी वाली लगती हैं,
यहां शायद किसी जमाने में यह भी सिनेमा हॉल हुआ करता था शायद। हम उस छोटी सी गली जो उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर ही बनी हुई थी ना, उसके बीच से निकलते हुए घबरा रहे। अंधेरा बहुत ज्यादा था, वहां थोड़ी थोड़ी सीलन भी थी। उसके बाद चलते चलते छोटे छोटे घुमाव आ रहे, वहां से निकलते हमें आगे कुछ भीड़ नजर आई। वहां ये कोई बुजुर्गों की भीड़ लग रही थी, ऐसा लग रहा था कोई फिल्म देखने के लिए कोई खास लोग आए हैं, जिन्होंने काले रंग के कोट पहन रखे हैं, पुराने जमाने की टोपियां पहन रखी थी। उन्हें देखते ही हम भी उनके साथ ही घुस गए। अब हम किसी थिएटर के अंदर नहीं गए थे, हमें पहले टिकट लेनी थी, यानी यहां से निकलकर काफी आगे जाना होगा, किसी को पता ना लग जाए कि हम इस एरिया तक पहुंच गए हैं। हम सब थोड़ा सा घबरा गए थे, लेकिन जब भीड़ में घुस गए तब हमें डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। किसी को कौन सा पता लगेगा, हम सीधा थिएटर के अंदर नहीं जाने वाले थे, टिकट काउंटर तक पहुंचना चाहते थे। उस भीड़ के बीच से निकलते निकलते जैसे ही हम आगे पहुंचे, हमें आगे एक पुराना सा टिकट काउंटर नजर आया। वहां एक आदमी बैठा हुआ, ऊपर लिखा हुआ था टिकट काउंटर। मैंने अपने दोस्त से पूछा, यहां पर टिकट काउंटर, लेकिन टिकट काउंटर तो आगे वाला है ना। उसने कहा, पता नहीं, यहां भी हो सकता है। अबे टिकट ले लो ना, कहीं पकड़ में ना आ जाए यार, किसी को पता ना लग जाए। आगे से टिकट तो हमने ली नहीं, अब यहीं से ले लेते हैं ना। इसके बाद जैसे ही मैं टिकट काउंटर तक पहुंचा, मैंने अपने उस दोस्त को कहा, आ जाओ यहाँ तो लाइन नहीं लगी हुई है, बाकियों ने टिकट ले ली है, जल्दी से यहीं से ले लेते हैं ना। वो आगे आ गया, उसने टिकट काउंटर पर बैठे उस आदमी को कहा, क्या टिकट मिल जाएगी, क्या ये टिकट काउंटर चल रहा है। उसने आगे रखा एक लकड़ी का बोर्ड हमारे सामने रखा, जिस पर लिखा हुआ था ओपन, यानी ये टिकट काउंटर चल रहा था। शायद वो बोलकर नहीं बताना चाहता था, या वो बोल ही ना पाता हो, उसने इशारा जरूर कर दिया था। मेरे उस दोस्त ने कहा, तो ऐसा करो 8 टिकट्स देना, वो हॉरर मूवी क्या नाम था उसका। उसने उस हॉरर मूवी का नाम बताया। अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई विदेशी फिल्म हो। उसने 8 टिकट्स मांगी थी और उस आदमी ने नीचे हाथ डालकर छोटी छोटी टिकट्स उसके हाथ में पकड़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी सी गंदी सी टिकट्स हो, जिसे देखते ही वो कहने लगा, ये टिकट है ये क्या पुरानी सी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन बस घूरता रहा। मैंने भी उसे कहा, ले लो ना, ये दे रहा है तो कितने रुपए हो गए। उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मेरे उस दोस्त ने खुद ही 500 वाला नोट निकाला और आगे की तरफ कर दिया। उसने वो 500 का नोट पकड़ा, उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, बस जाने के लिए हमें इशारा कर दिया। मैंने भी अपने दोस्त को कहा, क्या कुछ वापस नहीं मिलेगा, कितने की टिकट होगी। उसने कुछ कहा नहीं, और मेरा दोस्त भी आ गया, कहने लगा, अबे यार 150 की होती है, 500 में 8 टिकट्स दे दी, चुप करके चले जाओ ना, टिकट्स दे दी, कह देंगे बाद में अगर किसी ने पूछा कि ये पुरानी सी उसी ने दी है, अब हमने इससे ली है तो देखते हैं आगे। जैसे ही हमने पूछना शुरू कर दिया, हमें किस नंबर पर जाना होगा, थिएटर नंबर क्या है, क्या हमें आगे से निकलने की इजाज़त है, वहां खड़ा एक आदमी, वो सिक्योरिटी गार्ड था या क्या था, उसके कपड़े कुछ अजीब से लग रहे थे, उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ काले रंग का, शायद आंखों का ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन इस अंधेरे में भी काले चश्मे लगाए हैं, कुछ नजर भी आ रहा होगा उसे। हमने उसके पास जाकर पूछा, ये मूवी टिकट है हमारी, कहां पर लगी है ये मूवी। उसने इशारा कर दिया, 3 नंबर पर। उसके बिल्कुल साथ वो 3 नंबर वाली स्क्रीन थी। हम जल्दी से 3 नंबर वाला वो दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे। सामने थोड़ी सी लाइट लगी हुई, चारों तरफ हमारे कुर्सियां ही कुर्सियां, ज्यादा भीड़ नहीं थी वहां पर। मेरा वो दोस्त कहने लगा, ये तो अच्छा है, अब हम आसानी से अपनी पसंदीदा सीट पर बैठ सकते हैं, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। देखते हैं कौन सी टिकट्स बिल्कुल साथ साथ वाली हैं, अब जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं वो गर्लफ्रेंड के साथ बैठेंगे, बाकी थोड़ी सीट आगे पीछे करके बैठेंगे, ठीक है ना। उसने ये कहा, वो तो अपनी वो गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल कोने में जाकर बैठ गया। यहाँ बहुत कम लोग थे, या कहूँ 15 से 20 लोग होंगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक तरफ जा चुका था, 2 लड़कियां जो सहेलियां थी वो एक तरफ जाकर बैठ गई, मुस्कुरा रही कि हम वहां बैठकर वो मूवी को देखेंगे।
जबकि एक लड़के को अकेला बैठना पसंद था, इसलिए उसने कहा मैं तो बिल्कुल पीछे जा रहा हूँ, अब टिकट नंबर मुझे नहीं पता कौन सा है, अगर किसी ने पूछा तो सही जगह पर आ जाऊँगा, टिकट्स तुम्हारे पास है ना, तो मैं चला पीछे। वो अकेला चला गया। मैंने कहा इसमें क्या मज़ा आएगा यार, सब दूर दूर बैठ गए, मूवी देखने का मज़ा तो तब आता है ना सब पास पास में बैठे, लेकिन चलो सबके अपने अपने शौक है, मैं किसी पर ज़बरदस्ती करके ऐसे थोपना नहीं चाहूँगा। मेरे दो दोस्त मेरी तरफ देख रहे। मैंने कहा तुम तो साथ में बैठोगे ना, कोई लड़की वड़की तो नहीं झांकनी तुम्हें? मेरे दोनों दोस्तों ने कहा नहीं नहीं हम तो साथ में बैठेंगे ना। तो हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल बीच वाली वो सीट्स पर बैठेंगे। जैसे ही हम उस सीट पर बैठे, वो काफ़ी सख्त सीट थी, ऐसा लग रहा जैसे पुराने ज़माने से वो सीट्स को बदला ही नहीं गया, यानी सामने वो पर्दा नया लगा दिया गया होगा, लेकिन ये सीट तो काफ़ी पुरानी लग रही है। उस स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबरिंग सी चल रही थी, ना कोई एडवर्टाइजमेंट चल रही थी और ना ही अभी मूवी शुरू हुई थी, जबकि हमें पहले से लग रहा था कि मूवी तो शुरू हो गई होगी, हम बहुत से ज़्यादा लेट तो नहीं हो गए। लगभग 20 मिनट लगा दिए थे हमने पीछे वाले उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए, आगे भीड़ में खड़े रहते शायद हमारी बारी ही ना आती, लेकिन फिर भी सही समय पर पहुंच गए, मूवी तो स्टार्ट नहीं हुई, शायद आधा घंटा लेट ही चल रही होगी। उसके बाद अचानक नंबरिंग बंद हुई और मूवी स्टार्ट हो गई। चारों तरफ की वो थोड़ी थोड़ी जो लाइट्स जल रही थी वो भी बंद हो चुकी थी, सभी सीट्स के पास छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई वो जलने लगी थी, यानी अब देखा जा सकता था अगर कोई सीट पर आकर बैठना चाहे तो। सामने मूवी स्टार्ट हो गई और हम काफ़ी ज़्यादा खुश। मेरे एक दोस्त ने कहा यार पॉपकॉर्न तो लेकर ही नहीं आए। मैंने उसको कहा अबे टिकट मिल गई, अंदर आने का मौका मिल गया, बहुत है भाई, आगे से जाते तो ये वाली मूवी देखने का मौका ना मिलता, आधी रात वाली वो वाली का मौका मिलता, अब चुप करके देखो, बाद में जब इंटरवल होगा ना बाहर की तरफ जाएंगे, कुछ लेकर आएंगे, अब टिकट तो हमारे पास है ना, अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं। अब मूवी चलने लगी थी, पहले तो इंट्रोडक्शन आया, नाम आए जो शायद इस मूवी में काम कर रहे होंगे, और उसके बाद मूवी स्टार्ट हो गई। एक जंगल का सीन चल रहा था, हल्की हल्की हवा, पेड़ हिल रहे और वहाँ धुआं सफ़ेद रंग का, बिल्कुल कोई हॉरर मूवी का शुरुआती सीन लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब वो हवा चल रही ना, हमें महसूस हो रहा सिनेमा हॉल में हवा चलने लगी क्या भाई, ठंड सी लग रही है यार। मैंने कहा हाँ ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे की तरफ पंखे किए हुए हैं, चेहरे पर हल्की हल्की ठंडी हवा का झोंका पड़ने लगा था, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा धुआं जंगल में होने लगा, हमें वो स्क्रीन देखने में थोड़ी थोड़ी मुश्किल होने लगी, ऐसा लग रहा था धुआं कुछ ज़्यादा नहीं है यार, स्क्रीन दिख नहीं रही कुछ, ऐसा लग रहा है भाई किसी ने ये डायरेक्ट किया है और धुआं ज़्यादा डाल दिया, पेड़ तो नज़र नहीं आ रहे, क्या चल रहा है। असल में सिनेमा हॉल में धुआं सा हो गया था, काफ़ी धुआं सा हो गया था, दूर दूर जो सीट्स थी ना वो भी देखी नहीं जा रही, तब समझ में आया सिनेमा हॉल में धुआं है यार, सिनेमा हॉल में धुआं है, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर से धुंध अंदर भी आ गई हो। मेरे दोनों दोस्त वो मुझे पूछ रहे क्या यह सही है, ऐसा तो नहीं भाई कहीं आग लगी है जिस कारण ये धुआं काफ़ी ज़्यादा हो गया है। उसके बाद पीछे बैठे मैंने अपने दोस्त को कहा भाई ये धुआं काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, ये क्या चक्कर है? उसने कहा हाँ यार धुआं तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यार जब हवा चली थी तो हवा बहुत तेज़ चली, तो शायद ये धुआं भी इफेक्ट के लिए होगा, अब बैठे रहो। हमारा वो दोस्त कह तो रहा था कि मूवी बड़ी अच्छी है, बाकी पता नहीं मूवी देख भी रहा है या नहीं, वो लड़की के साथ बातें कर रहा है, आशिक साला मूवी देखने आया है, कोने में बैठा हुआ लगा हुआ है अपना। हम तीनों चुप करके बैठ गए। अब जो दो लड़कियाँ थीं, एक तरफ जब वो नहीं डर रही, वो कुछ नहीं कर रही, तो हम उठकर कहेंगे कहीं आग तो नहीं लगी, धुआं है, तो पागल जैसे लगेंगे। किसी ने हरकत नहीं की तो हम भी चुप करके बैठे रहे, वहाँ बाकी भी तो कई लोग थे, वो भी चुप थे, तो हम भी चुप ही रहे। सामने अचानक थोड़ा थोड़ा धुआं छंटने लगा था, और यहाँ थिएटर के अंदर भी धुआं छंट गया। तब हमें समझ में आया ये सच में कोई 3D, 4D या 5D इफेक्ट दिए गए हैं, भाई सस्ते में टिकट मिल गई, मज़ा तो बड़ा अच्छा आ रहा है। फिर वो जंगल में एक लड़की भागी भागी जा रही, वो इतनी तेज़ भाग रही
कि आसपास के पेड़ों के जो पत्ते थे ना, वो जैसे उसके टकरा रहे, उसका चेहरा नजर आ रहा। पत्ते थोड़ी आंधी चलने के कारण भी उड़ने लगे थे और अचानक मेरे माथे पर कुछ टकराया। मैंने देखा, ये क्या सूखा पत्ता? ये सूखा पत्ता कहाँ से आया? मेरे दोस्त ने कहा, अबे मेरे मुंह में चला गया। ये क्या भाई, ये कैसे इफेक्ट है? वहां पत्ते थिएटर के अंदर वो जो कुर्सियां थी ना, जो चेयर्स थी, उनके ऊपर गिर रही, सीट्स के ऊपर गिर रहे। इस तरह ये वाले इफेक्ट देखकर भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा और मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा। मैं तो अपने दोस्तों को कह रहा, यार ये फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आएगा भाई, सच में बड़ा मज़ा आएगा यार, ये तो सच में 5D वाले इफेक्ट दे रहे हैं यार, इसमें तो मज़ा आने वाला है। फिल्म आगे बढ़ने लगी। वो लड़की उस जंगल में भागी जा रही थी जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा किसी चीज़ से वो डर रही थी, बड़ी तेजी से आगे आगे भागी जा रही। और फिर एक जैसे अजीब से डीमन की एंट्री हुई। कोई दैत्य सा लग रहा था, लाल रंग था उसका, बड़े बड़े दो काले सींग। उस लड़की का पीछा असल में वो कर रहा था, उससे वो लड़की डर कर भाग रही। लेकिन वो जो अजीब सा डीमन था ना, वो भाग नहीं रहा था, हवा में लहराता हुआ उसका पीछा कर रहा। आसपास के पेड़ भी हिल रहे, पत्तियां टूट कर नीचे गिर रही और जैसे थिएटर में भी वो पत्तियां गिर रही, वो आवाजें आ रही। वहां अचानक जैसे जो आंधी चल रही थी ना, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी होने लगी। जैसे ही हवा काफी तेज चलती ना, बूंदाबांदी तो हो रही थी, हमारे चेहरे पर छोटी छोटी बूंदे गिरती। मुझे सच में बड़ा अच्छा लग रहा था। ये वाले इफेक्ट देखकर मुझे ऐसा लग रहा, ये फिल्म को बनाया कैसे गया है और यह वाले थिएटर के बारे में पता ही नहीं। यहाँ 3D थिएटर भी है, मुझे पहले पता नहीं था। अचानक वो लड़की एक पेड़ की टहनी में टांग फंसने के कारण गिर जाती है। एक तरफ जैसे ही गिरती है, मुड़कर पीछे देखती है। अब वो जो डीमन था ना, उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गया था। वहाँ खड़ा होकर अब पहले डायलॉग की बारी थी। वो कहने लगा, जो भी यहाँ पर आता है उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अब तुम्हारी मौत निश्चित हो गई है। वो लड़की कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो डीमन कहता है, नहीं, अब तुम्हारी मौत निश्चित हो चुकी है, तुम जितनी कोशिश करोगी तुम्हारी मौत उतनी ज़्यादा दर्दनाक होगी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी को लड़की के सर पर मारता है। उस सीन को बिल्कुल साफ दिखाया गया, ऐसे लग रहा था सर पर कुल्हाड़ी मारी, सर के दो हिस्से हो गए, खून नीचे की तरफ बहता हुआ। मेरा एक दोस्त तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, वो नीचे देखने लगा, अरे यार ये वाला सीन काटा नहीं है। अब किसी किसी को तो घबराहट होती है ना इस चीज़ से, यार जब निकल जाए ये सीन मुझे बता देना। वो घबरा रहा, मुझे भी काफ़ी अजीब सा लग रहा था। ऐसे सीन ज़्यादातर मूवीज़ में काट दिए जाते हैं, वहाँ पर वो सीन काटा नहीं गया था। खौफनाक सीन, कुल्हाड़ी से उस डीमन ने तब तक उस लड़की के चेहरे पर वार किए थे जब तक उस लड़की का सर पूरी तरह से कटकर छोटे छोटे हिस्सों में बिखर नहीं गया, चारों तरफ खून ही खून था। फिर उसने जैसे बाजुओं को काटा और शरीर के टुकड़े करने लगा। ऊपर से स्क्रीन दिखाई गई थी, जोर जोर से कुल्हाड़ी मारे जा रहा, शरीर को टुकड़ों में काटे जा रहा। 15 सेकेंड तक वो लंबा सीन था जिसे देखकर मुझे भी घिन सी आने लगी थी और मैं सोच रहा, यार कितना घटिया सीन है भाई, आगे आगे निकालना। इसके बाद वो डीमन खड़ा हो जाता है, स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है, जो भी यहाँ आता है उसको भागने का मौका नहीं मिलता, पकड़ो पकड़ो सबको, पकड़ो जो भी यहाँ पर मौजूद है। पेड़ हरकत करने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है जैसे आंधी को वो कंट्रोल कर रहा है, पेड़ों को वो कंट्रोल कर रहा है। पेड़ों की जड़ें जमीन से निकल रही हैं और आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो सीन आता है, डीमन बहुत पीछे, जड़ें आगे की तरफ बढ़ रही जैसे किसी को पकड़ने के लिए। तब जंगल में हरकत होती हुई नजर आती है। अचानक मेरे एक दोस्त ने कहा, अबे कौन है ये यार, कौन है मेरी टांगों पर अपनी टांगे मारने की कोशिश कर रहा है? मैंने कहा, कौन है? अपने बीच बैठे हुए उस दोस्त को मैंने कहा, देख परेशान मत कर यार, उसे क्यों मार रहा है टांग? उसने कहा, मैंने नहीं मारी यार, तूने मारी होगी मुझे लगा। मैंने कहा, मैं कैसे मारूंगा, अगर मैं उसे टांग मारूंगा तो तेरी टांगों के आगे से निकाल कर मारूंगा ना, तुझे तो पता लग जाएगा, मैं नहीं, ये तू ही होगा,
या वो जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसने जोर से कहा, अभी ये कौन है यार, कौन है टांगों पे कुछ मारे जा रहा है। जब उसने ये कहा, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे एक तरफ से मेरी टांग में कुछ टकराया हो, किसी ने मेरी टांग को पकड़ने की कोशिश की हो। पीछे वाली सीट पर भी कोई नहीं था, मेरे दूसरी तरफ वाली सीट पर भी कोई नहीं था, जिस कारण मैं भी डर गया। और बीच में बैठे उस दोस्त ने भी कहा, यार मेरी टांग पर भी कुछ है। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी टांग के ऊपर कोई सांप सा चढ़ा हुआ। अचानक डर कर मैं खड़ा हो गया। चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी आवाजें आईं, ये क्या। हर कोई ये कह रहा था, मेरी टांग में कुछ है, यहाँ कुछ है, नीचे कुछ है। इसके बाद एक तरफ से आवाज आई, यार इफेक्ट है, सब डर गए। हमने भी खुद को संभालते हुए कहा, भाई यहाँ नीचे कुछ होगा इफेक्ट देने के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पाँव को कुछ पकड़ा हो, नीचे कोई पाइप वगैरह कुछ होगा ना, हाइड्रोलिक जो टांगों पर टच कर रहा है, खींच रहा है थोड़ा थोड़ा सा। दोनों दोस्त हंस पड़े थे। सच में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम इस फिल्म के अंदर ही हैं, जैसा जैसा सीन आ रहा है वैसे वैसे इफेक्ट्स हमें महसूस हो रहे हैं। वहां स्क्रीन पर सीन चल रहा था जैसे कुछ लोग जो जंगल में हैं, उन्हें वो पेड़ उनकी जड़ें पकड़ रही हैं, और वो डीमन भागा भागा आ रहा है, कुल्हाड़ी से किसी की गर्दन काट रहा है, किसी की टांग काट रहा है। ऐसे सीन, बड़े घटिया से सीन दिखाए जा रहे थे, जबकि स्टोरी तो कुछ आगे बढ़ नहीं रही, बस वो काटता जा रहा। पहले 5 से 10 मिनट ये वाले सीन ही आए थे, और तब तक ऐसा लगने लगा, यार ये क्या है, यहाँ से इफेक्ट तो अच्छे हैं, कोई स्टोरी समझ में नहीं आ रही, बस इसे ही दिखाए जा रहे हैं, कुछ और तो दिखा नहीं रहे, कोई कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द कोई कहानी आगे घूमेगी, या ये डीमन ही है पूरी मूवी में। जैसे ही उस अजीब से डीमन ने, बड़े सींगों वाले ने, वो जो जंगल में घूम रहे लोगों को मारा ना, उसके बाद स्क्रीन की तरफ देखने लगा और कहने लगा, ये तो बच गए, इन्हें किसी ने नहीं पकड़ा, अब शायद ये काम मुझे करना होगा, उस तरफ शायद ये पेड़ जा नहीं पाते अपनी पूरी शक्ति से, मुझे जाना होगा। ये कहकर वो जैसे स्क्रीन पर कुल्हाड़ी मारने लगा। ये कैसा सीन है, ये तो दिखाया जा रहा है जैसे ये फिल्म के अंदर है। सामने स्क्रीन पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा, और स्क्रीन के ऊपर दरारें सी नजर आने लगी। कुल्हाड़ी मारता गया, एकदम से धड़ाम की वो आवाज़, बड़े स्पीकर लगाए होंगे कि वो आवाज ने हमें डरा कर रख दिया। फिर उसने स्क्रीन को फाड़ा और उसके बीच से बाहर आता हुआ, ऐसा इफेक्ट था जैसे असल में वो पर्दा फाड़कर बाहर की तरफ आ रहा हो। वो बिल्कुल असली सा एहसास लग रहा। तब सबको पता लगा कि वो कोई इफेक्ट नहीं था, सच में जैसे पर्दे से कोई चीज निकली हो। वो अजीब सा डीमन हाथ में कुल्हाड़ी लिए, वो जो आगे वाली सीट्स थी ना, सबसे आगे बैठे आदमी के सर पर उसने कुल्हाड़ी ऐसे ही मारी और सर के 2 हिस्से कर दिए। उसके सर से खून निकल रहा था, इसीलिए सब अपनी सीट से ऊपर खड़े हो गए, बोलने लगे थे, ये क्या। पहले सब ऐसा महसूस कर रहे, ये भी मूवी का कोई हिस्सा होगा, आगे बैठा हुआ वो आदमी सही नहीं होगा। लेकिन दाईं तरफ बैठा आदमी जो भागने की कोशिश कर रहा, उसने वो कुल्हाड़ी छोड़कर मारी थी उसकी गर्दन एक तरफ से थोड़ी कटी, खून बह रहा, वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। ये भगदड़ थी जान बचाने वाली, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो अलग है। जिसके बाद मैं भी बाहर की तरफ भागा, मेरे दोनों दोस्त मेरे साथ थे, पीछे वाला वो लड़का तो पहले ही दरवाजे के पास पहुँच चुका था। जो बाकी लोग हमसे पहले आए हुए थे वो आगे वाली सीट पर थे, वो दूसरे रास्ते से भागने लगे। हम तो सीधा दरवाजे तक पहुंचे, और जैसे ही आगे वाले लड़के ने दरवाजा खोला, हम अब उस गलियारे के बीच थे, बिल्कुल अंधेरा गलियारा। सामने से भाग कर जा रहे, चीख रहे, हर कोई कह रहा था, उसने मार दिया दो लोगों को। जान बचाने की जद्दोजहद थी, और उस अंधेरे गलियारे से जैसे ही भागते भागते हम आगे पहुंचे, वहां भीड़ एकदम से जैसे गायब ही हो गई थी। वो गलियारा आगे जैसे एक बंद दरवाजे तक पहुंचने का
रास्ता था, वहां कोई मौजूद नहीं। हम चार थे जो वहां खड़े हुए उस दरवाजे को देख रहे और पीछे चीख पुकारों की आवाज जो एकदम से मथम होकर बंद हो गई। हम चारों खड़े बात कर रहे थे, आगे दरवाजे को खटखटाए, बाहर से आवाजें तो नहीं आ रही, लेकिन पीछे वो जो कातिल है ना उसे पता लग जाएगा। यहां से भागने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? हमने उस दरवाजे के बाहर आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। हम उस अंधेरे हिस्से में थे जहां जैसे फंसे हुए महसूस कर रहे थे। यहां अंदर आने का रास्ता कहां से है? हमें आगे वाला कोई और दरवाजा ढूंढना होगा, लेकिन उसके लिए घूमने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर हमारा सामना उससे हो गया तो क्या करेंगे? सब घबराए हुए थे, लेकिन चलकर हमें पीछे तो जाना ही था। जैसे ही हम धीरे धीरे चलते हुए पीछे की तरफ जाने लगे, हमें एक आवाज सुनाई थी जैसे कोई चीज वो कुल्हाड़ी से काटी जा रही हो। टक 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 टक, ये आवाज बार बार सुनने को मिल रही थी। हम धीरे धीरे सिसकते सिसकते आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, उस घुमावदार रास्ते तक पहुंचते। जैसे ही हमें पीछे वाली स्क्रीन्स का वो हिस्सा नजर आया ना, वहां पर जमीन पर लेटा हुआ एक आदमी नजर आया और उस पर बैठा हुआ वो लाल रंग का डीमन। बड़े बड़े सींग थे उसके और कुल्हाड़ी से उसकी बाजू को काट रहा था। ठक ठक ठक, उसकी पीठ हमारी तरफ थी, इसीलिए हम सिसकते सिसकते हल्की हल्की आवाज करते हुए ताकि उसे पता ना लग जाए। धीरे धीरे हम वहां से आगे निकल रहे और पीछे से आ रही वो आवाज ठक ठक ठक। हम बस आंखें बंद करना चाहते थे, वो दृश्य आंखों से देखा जाने वाला नहीं था। मेरा एक दोस्त तो बहुत ज्यादा घबरा गया, जो कि खून से डरता था। उसे जैसे चक्कर आ रहे, वहीं जमीन पर जैसे गिर गया। बिना आवाज किए वो जमीन पर बैठा बैठा ही जैसे गिर चुका था। हम बैठ कर निकल रहे ना, उसे अब खींचकर आगे ले जाना था। मैं अपने दोस्त को कहने लगा, इसे खींचे जल्दी से, कहीं वो आ ना जाए। तब मेरे दो दोस्त मेरी तरफ देख रहे, एक जमीन पर लेटा हुआ। एक दोस्त ने कहा, वो आवाज बंद हो गई, वो आवाज आनी बंद हो गई ना। हमने पीछे मुड़कर देखा, जमीन पर पड़ा हुआ वो आदमी जिसकी बाजुएं अलग हो चुकी थी, सर अलग हो चुका था, खून के थप्पे हर तरफ थे, लेकिन वो डीमन वहां उसकी पीठ पर उसे काटता हुआ अब नजर नहीं आ रहा था। हमने अपने दोस्त को जल्दी जल्दी खींचना शुरू कर दिया। हमें लगा वो इस तरफ नहीं आया होगा, वो आगे चला गया होगा। उसे हम खींचते हुए ले जा रहे। अचानक जैसे अंधेरी वाली वो जगह से निकलकर उसने हमारे उस दोस्त की टांग पकड़ ली। हम बाजू से उसे खींच रहे। हम जल्दी से भाग निकलना चाहते थे क्योंकि उसे पता लग गया था। वो उसकी टांग को पकड़े, एक हाथ में कुल्हाड़ी लिए। जैसे ही उसने हमारे दोस्त की पीठ पर वो कुल्हाड़ी मारी थी ना, हमारी चीखें निकल गई और हमारे उस दोस्त की भी चीख निकली थी। उसके बाद उसका हाथ हमारे हाथ से छूट गया। हम इतने बहादुर नहीं थे, हम डर कर वहां से आगे की तरफ भाग निकले थे, चीखें मारते हुए हम तीनों, हमारा दोस्त। जैसे ही हमने पीछे देखा, उसने हमारे दोस्त के सर पर वो कुल्हाड़ी मारी थी। जोरदार कुल्हाड़ी का वो वार उसके सर पर और सर के दो हिस्से। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, लेकिन हमें अपनी जान भी तो बचानी थी। हम बड़ी तेजी से भाग रहे, चीखते हुए, बचाओ बचाओ, वो कातिल वो कातिल। हम अब आगे वाले हिस्से में तो पहुंच गए थे। वहां स्क्रीन के नंबर्स लिखे हुए थे, आगे नए वाला टिकट काउंटर था, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं। पूरी तरह से सन्नाटा था वहां पर। और आगे वाला जो मेन दरवाजा था वो तो बंद था। आगे बड़ा गेट पूरी तरह से बंद, उसे ना तोड़ा जा सकता था। यानी इतनी जल्दी इस पूरे थिएटर को बंद करके लोग कहां चले गए, हमें कुछ नहीं पता था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कातिल को रोकने के लिए सबने हर तरफ से बंद कर दिया, लेकिन जो अंदर है
उन्हें तो बचने का मौका मिलना चाहिए ना। हम तो टिकट काउंटर के वो बोर्ड के पीछे छिप गए। ठक ठक की आवाजें आ रही थी, एक चीख की आवाज किसी लड़की की चीख की आवाज थी। वो बोर्ड के पीछे से आंख निकालकर मैंने देखा था, हमारी एक दोस्त, उसका सर उसने पकड़ा हुआ, उसके बालों को अपनी उंगलियों से जकड़ा, उसका सर उसके हाथ से लटक रहा। ऐसा लग रहा था सर को धड़ से अलग करके वो सर को पकड़े हुए आगे बढ़ रहा। हमारी सांस रुकी जा रही थी। हम तीन थे, हमारे दोस्तों को भी शायद वो मार रहा है। हम तो वहां से बचकर उस बोर्ड के पीछे तक पहुंच गए। अचानक हमारी तरफ बढ़ता रहा, हमारी सांसें रुकी और एक मोड़ से वो मुड़ गया और तेजी से भागने लगा। चीख की आवाज एक और आई थी। उसके बाद वहां से दो सर लेकर निकला था, एक ही हाथ से उसने दो सर पकड़े हुए। हमारी वो दो दोस्त, वो दो लड़कियां जो इकट्ठी हमारे साथ आई थी, उन दोनों के कटे हुए सर उसने अपनी उंगलियों से जकड़ रखे थे, जैसे ढूंढ रहा था कोई और शिकार। हम उस बोर्ड के पीछे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हम नहीं जानते थे। लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा, ये एक एक करके सबको मारेगा, ये एक एक करके सबको मारेगा, हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें इस पर हमला करना होगा, हमें कोई चीज़ ढूंढनी होगी। पीछे फायर एक्सटिंग्विशर था, उसे हाथ में हमने पकड़ लिया था। उसके बाद वो आगे निकल गया, वो हमारी तरफ आया ही नहीं। लेकिन मेरे उस दोस्त ने जो कहा था ना, वो बात बिल्कुल सही थी। हमें उस पर हमला तो करना होगा, निहत्थे छिपकर ज़्यादा समय बच नहीं पाएंगे हम। वहाँ से निकलकर ढूंढने लगे हम कोई ऐसी चीज़ जिससे उस पर वार किया जा सके। एक तरफ वो दीवार में लगी हुई बड़ी सी कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी जो दरवाज़ा तोड़ने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर भी जगह जगह लगे हुए, इनके इस्तेमाल से बचने के लिए आसानी होती है, ताकि आग लगने पर दरवाजे को फाड़ा जा सके। वैसी ही कुल्हाड़ी का इस्तेमाल वो कर रहा था, ऐसी कुल्हाड़ी मैंने भी हाथ में पकड़ ली। मेरे एक दोस्त के हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर था, दूसरे के हाथ में एक छोटी सी लोहे की रॉड। लेकिन हम तीन थे, वो अकेला, वो कातिल, उस पर हम छिपकर वार कर सकते हैं। आगे से ठक ठक की आवाज़ आई, दो बार ऐसी ठक ठक की आवाज़ आई और एक करहने की आवाज़, और तीसरी ठक की आवाज़ के बाद वो करहने की आवाज़ पूरी तरह से बंद। किसी को उसने फिर से मार दिया था, जिसके बाद हम एक कोने में छिप गए। उसके चलने की आवाज़ आ रही थी, उसके पैर भारी थे, गीले गीले लग रहे थे, जैसे खून में सने हुए हों। जूतों पर खून लगने के बाद जब वो कदम आगे बढ़ाता था तो नीचे फर्श पर पाँव के निशान छप जाते थे। सफ़ेद रंग का चमकीला फर्श था, उस पर छपे हुए कई पाँव हमें साफ नज़र आ रहे, जो हमारी घबराहट का विषय बन रहे थे। लेकिन उसकी चाल, वो कदम बढ़ते हुए हमारी तरफ ही आ रहे थे। जैसे ही वो आगे निकला, हमने छलांग लगा दी। मेरे दोस्त ने, वो आगे था ना फायर एक्सटिंग्विशर, उसने उसकी छाती पर मारा, उसको पीछे की तरफ गिरा दिया। दूसरा दोस्त मेरा उसकी छाती पर वार कर रहा था, जिसके हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर। एक वार तो छाती पर उसने किया, दूसरी बार पता नहीं घबरा गया, उसने फायर एक्सटिंग्विशर उसके सर पर छोड़कर मारा। मेरी बारी थी, मैंने एक भी हमला नहीं किया था, वो नीचे ही था। मैंने उस कुल्हाड़ी को उसकी गर्दन पर ही मारा। मैं बेरहम नहीं हूं, लेकिन सामने आपको मौत नजर आए, और एक कातिल नजर आए जिसने आपके दोस्तों को मारा हो, आपके अंदर एक हिम्मत वाला जाग ही जाता है। मेरा एक वार था, एक ही वार, इतनी जोर से वार किया मैंने, इतनी जोर से आंखें बंद करके कि मैं समझ ही नहीं पाया। इतनी जान लगा दी मैंने जिससे उसका सर ही धड़ से अलग हो गया। उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था, और एक तरफ वो कुल्हाड़ी गिर चुकी थी, उसका सर गिर चुका, और हम उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखकर मैंने उसे मार दिया। लेकिन हमारी आंखों के सामने जो चीज नजर आई थी, वो देखने लायक नहीं थी। उसका कटा हुआ सर, वो बोलने लगा था, और उसका वो धड़ उठकर खड़ा हो गया। मैं पीछे था, मेरा वो लोहे की रॉड से वार कर रहा दोस्त, वो आगे ही था, रुका हुआ। उसने उठते ही, हाथ में तो उसके कुल्हाड़ी थी ना, उसकी ठुड्डी पर नीचे से ऊपर की तरफ कुल्हाड़ी मारी थी। सर के आगे से दो हिस्से हो गए और वो दीवार से जैसे भिड़ गया।
हिला नहीं, एक झटके में मौत मिली थी उसे और हम दोनों पीछे की तरफ भागने लगे। मैं पीछे भागा, उसने कुल्हाड़ी छोड़कर जो मारी मेरे दूसरे दोस्त की पीठ पर, जैसे पीठ में कुल्हाड़ी छप सी गई और वो सीधा मेरे सामने नीचे। मैं वहां से निकला, मैं इसलिए बचा था क्योंकि कुल्हाड़ी उसकी पीठ पर चिपक चुकी थी। उसने कुल्हाड़ी छोड़कर दूसरे वाली मारी थी जो मेरे हाथ से छिटकी थी, वो एक दीवार पर गड़ गई, लेकिन मैं वो मोड़ से निकलकर पीछे वाले हिस्से में भाग निकला था। मेरा दोस्त वो करह रहा था, लेकिन उसने जो दो तीन बार जोर जोर से ठक ठक की आवाज़ की, मेरे दोस्त के करहाने की आवाज़ भी बंद सी हो गई। मैं भागा, बड़ी तेजी से भागा, भागते भागते मैं पिछले हिस्से पर आ गया। दो तीन बार चीखों की आवाज़ और सुनाई दी थी, लेकिन मुझे रास्ता मालूम था पीछे वाले दरवाजे तक पहुँचने का। जैसे ही मैं उस दरवाजे तक पहुंचा, मैं उस चेन को हिलाने लगा। वो टेढ़ी होने वाली चेन का हिस्सा कौन सा है? जल्दी 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 निकलने का यही रास्ता है। ये तो साफ था, चेन को किसी ने खोला नहीं था, ताले को किसी ने खोला नहीं था, इस तरफ से तो कोई बाहर गया नहीं है। शायद मैं अकेला हूं। क्या ये चेन वो मुड़ने वाला हिस्सा मौजूद भी है, या मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा? समय बीतता जा रहा, एक एक हिस्से को मोड़ने की कोशिश कर रहा, मुझे वो मिल नहीं रहा। बड़ी जल्दी जल्दी, जब आप डरे हुए होते हैं आपको ऐसा लगता है हर चीज़ गलत होती है, इसीलिए बार बार अलग अलग हिस्से पर मैं मोड़ने की कोशिश कर रहा। पीछे से आ रही वो चीखने करहने की आवाज़ें धीरे धीरे बंद हो गई, सन्नाटा और चलने की आवाज़। बस मुझे ऐसा लगा था मेरी मौत निश्चित हो गई है। यहां से भागूंगा तो कहां जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो वो मुझे पकड़ ही लेगा ना। वो आवाज़ नज़दीक आती गई और अचानक चेन का वो हिस्सा मेरे हाथ लग ही गया जो बड़ी तेज़ी से मुड़ चुका था। मैंने चेन से वो ताले को निकाला, जल्दी से वो दरवाज़ा खोला और भागने की आवाज़ आ रही, वो मेरे पीछे ही था। जैसे ही मैं वो दरवाजे से बाहर निकला, चीख चीख कर मैं भाग रहा। मैं पीछे वाली पार्किंग तक पहुंचा, वो मुझे मार देगा। ये आवाज़ें निकालते निकालते मैं भागा जा रहा। सफ़र बहुत लंबा था, जैसे वो पार्किंग में कई लोग थे, मुझे भागते हुए देख मेरे करीब आ रहे और मैं इशारा कर रहा, पीछे पीछे वो कातिल, कई लोगों को मार दिया, वो मुझे भी मारना चाहता है। मैं भाग रहा और कुछ लोग थे जो मेरे पास पहुंचे, और उसके बाद एक लड़की ने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दी। उसके पास वो मोबाइल मौजूद था, उसने फ़ोन किया पुलिस को, जिसके बाद लगभग 20 मिनट में पुलिस वहां पहुंच गई और भीड़ बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। तब मुझे सुरक्षित महसूस हुआ था, तब मुझे लगा था शायद मैं बच गया, लेकिन मैं जो बता रहा कोई यकीन नहीं कर रहा। मैंने कहा वो कातिल नहीं है, वो एक डीमन है, एक असली डीमन। उसका सर कटा हुआ था, वो फिर भी मार रहा था बिना सर के भी। उसे मारा नहीं जा सकता, उसे रोकना होगा किसी तरह। पुलिस वालों को भी मैंने यह बयान दिया था, कई पुलिस वाले तो आगे पहुंच चुके थे, कुछ जो मुझसे बात कर रहे वो बैकअप बुला रहे थे। मेरी बातों से ऐसा लग रहा कई लोग मारे गए हैं, जो अंदर हैं कई लोग मारे गए हैं। पुलिस वाले लगभग 1 घंटे बाद वहां और पुलिस वालों को बुला रहे, और वहां से निकाला गया था कई लोगों को। मेरे दोस्त, उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। पुलिस वाले उन्हें लेकर जब बाहर आ रहे, मेरे होश उड़े हुए। मैं उन्हें बता रहा था मेरे एक दोस्त का सर काटा, एक की पीठ पर कुल्हाड़ी मारी, दो लड़कियों का तो सर काटा, उसने उंगलियों से पकड़कर लटकाया हुआ था। एक एक करके मेरे सारे दोस्त वहां से बाहर निकाले गए। जब उन्हें उस एम्बुलेंस में बिठाया गया, मैं उस समय बेहोश होने की कगार पर था। मुझे लग रहा कि मैं ही पागल हूँ। अस्पताल मुझे भी ले जाया गया था। जब अस्पताल में मैं पहुंचा हुआ, वहां लगभग 1 दिन बिताने के बाद, जब मुझसे भी डॉक्टरों ने कई बार सवाल पूछे, पुलिस वाले भी मुझसे पूछते गए, मैं उन्हें कह रहा यह सब हुआ है, वो मानने को तैयार नहीं। तब मुझे मेरे दोस्तों से मिलने का मौका भी मिला था। जब मैं अपने दोस्तों के पास पहुंचा, उनकी हालत अलग सी थी। वो बैठे हुए जरूर थे, लेकिन जैसे होश में नहीं थे, टकटकी लगाए एक कोने में देखे जा रहे। डॉक्टर ने कहा, ये 7 लोग हैं, ये हरकत नहीं कर रहे, ना तो उंगली हिलाते हैं ना बात का जवाब देते हैं, जैसे एक जगह इनकी नजरें कड़ी रहती हैं।
ये कोमा में नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है ये एक सी सदमे में है, हिल ही नहीं रहे। वह सातों सदमे में ऐसे बैठे हुए लग रहे थे जैसे जैसे वो घटना सच हो। उन्हें मारा जरूर गया, लेकिन शरीर दोबारा जिंदा कर दिया गया। मेरे वो दोस्त दोबारा सही हालत में नहीं आए, उसी हालत में रहे, कुर्सी पर बैठे, हिलते नहीं। उन्हें खड़ा कर दो तो खड़े रहते, खाना सामने रख दो तो खाने लगते, बिल्कुल मशीन की तरह। उन्हें जो कहो वैसा वो करते, लेकिन एक मशीन में जान नहीं होती, मशीन को इंसान नहीं कहा जा सकता। उनकी हालत भी ऐसी है, उन्हें इंसान नहीं कहा जा सकता। और वो थिएटर का हिस्सा, वहां कोई फटा हुआ पर्दा नहीं था, वहां और किसी की लाश नहीं मिली, और कोई बूढ़ा आदमी पुराने कपड़ों वाला नहीं मिला। कहा जाता है किसी समय वो जो थिएटर का हिस्सा था ना, वहां एक आदमी ने कुछ लोगों को मारा था, और वहां पुलिस वाले ने भी गोली से उसे मौत के घाट उतार दिया था। कहते हैं वहां उसकी प्रेत आत्मा नजर आती थी, तो उस हिस्से को बंद कर दिया गया, आगे नया थिएटर का हिस्सा बनाया गया। लेकिन पीछे वाले गलियारे में भी लोगों को ऐसा कुछ नजर आने लगा तो वो डरने लगे थे। कुछ लोगों को जैसे वहां सदमे का एहसास हुआ तो पीछे वाले हिस्से को बंद ही कर दिया गया। जहां पर हम गए थे ना, वही हिस्सा था। जिस जगह हम बैठे थे वहीं पर वो आदमी मारा गया था। कहते हैं अजीब सा था, पागल सा, कुल्हाड़ी से लोगों को मारा था उसने, लेकिन वो तो मारा गया। जो हमें नजर आया था वो कौन था? कटे सर वाला। आज तक उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, लेकिन हिम्मत नहीं है जवाब पाने का। आज तक उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, लेकिन हिम्मत नहीं है उसका। जवाब मिल जाए तो उसे मान लूं। मेरे दोस्त ठीक नहीं हो पाए। वो खौफनाक रात का अंत हुआ। फिल्मों से दूर हो चुका हूं मैं। मुझे अब फिल्मों से जैसे डर नहीं लगता, उसमें कोई रुचि नहीं है। ये सच्ची घटना किसी फिल्म से कम नहीं थी जो मैंने जी थी।